Hello guys, what's up? I hope so you all are doing good, and I am back with another video with another energy and with another flow. It's me, Master Flow, and आज के इस वीडियो होने वाली है थंबनेल के ऊपर है आप किस तरीके से इस तरीके के आप थंबनेल बना सकते हो. लाइक ये वाले थंबनेल बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं एंड आप शॉर्ट्स वीडियोस में लगा सकते हो, लाइक आप जो पबजी के वीडियोस बनाते हो उसमें. एंड इसका जो भी मटेरियल लिंक रहेगा वो आपको डिस्कॉर्ड के अंदर मिल जाएगा, तो आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लेना. एंड अगर आपको नहीं आता कैसे लिंक्स ओपन किए जाते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख लेना, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल हियरिंग दिस वॉइस फर्स्ट टाइम, please hit the subscribe button for amazing content in future. Let's get into the video. सबसे पहले आप लोगों को PS के अंदर आ जाना है एंड 1920 का एक एक्सेप्टिव इशू ले लेना है. इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा. एंड इसके बाद आपको चलाना है फोटो लाइब्रेरी में, एंड एक पबजी का रहेगा जिसको कहते हैं एक पबजी बैकग्राउंड, सो हम उसको ओपन करेंगे. एंड मैंने डाउनलोड कर रखा था, इस तरीके का रहेगा. इसको ओपन कर लेना है एंड फुल साइज में इसको बड़ा कर लेना, लाइक जो व्हाइट पार्ट बॉर्डर्स हो वो हट जाए. एंड मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया फुल साइज़ में. अभी क्या करने का, इतना हो जाने के बाद एक एम्प्टी लेयर होगी, एम्प्टी लेयर में ग्रेडियंट डालना है हमको. सो सबसे पहले एम्प्टी लेयर को ऊपर ले जाते हैं, ग्रेडियंट डालेंगे जो रहेगा रेड कलर का. आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडियंट बना लेता हूँ फटाफट. एंड थोड़ा सा डार्कर रहेगा इसलिए मैं डार्क कर देता हूँ, एंड दोनों तरफ ही रहेगा इसलिए ऊपर मैंने ज़्यादा ब्लैक किया एंड नीचे की तरफ कम किया. सो इस तरीके से आप ग्रेडियंट बना लेना एंड वो आपके ऊपर रहेगा आप किस तरीके कलर का बना सकते हो. एंड मैं यहाँ पर रेड कलर का बना के दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके का हो जाएगा. फिर क्या करना है, इसको हमको सिंपली कर लेना है मल्टीप्लाई एंड इसके बाद कुछ इस तरीके का लुक मिलेगा. एंड व्हाट हैव टू डू, नीचे वाले लेयर में जाना है एंड इसको हम कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट. एंड इस तरीके से क्या होगा, आपके कलर्स थोड़े दब जाएंगे. दैन व्हाट हैव टू डू, एक और डुप्लीकेट कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क पोर्शन मिल जाएगा. आफ्टर दैट अभी क्या करना है, आपको सिंपली ओपेसिटी कम करनी हो तो कर सकते हो. दैन यू हैव टू गो टू द फोटो लाइब्रेरी एंड यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको, लाइक जो कहते हैं ना कैरेक्टर्स, वो आपका मॉडल रहता है, मॉडल्स मिलेगा. सो उस तरीके का मैं मॉडल मैंने डाउनलोड कर रखा था फ्रॉम द गूगल, आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको लगाना हो. लाइक आपने थंबनेल में देखा होगा किस तरीके से बनाना है, क्या रहेगा टॉपिक हमारे वीडियो का. सो इस तरीके से वो कैरेक्टर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एंड पूरा बताऊँगा. देन इसके बाद क्या करना है, जो आपका दूसरा कैरेक्टर रहेगा आपको उसको भी इंपोर्ट कर लेना है एंड दोनों ही कैरेक्टर्स को एडजस्ट कर लेना है. फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी आपके कैरेक्टर्स हो, जो भी आपका पबजी वाला कैरेक्टर आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो. एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से बना लेना है. एंड जितने मैंने तुमने स्टार्टिंग बनाए थे आप इसी तरीके के टॉपिक कवर कर सकते हैं, कवर के आप बना सकते हो. फिर क्या करना है, एक सर्कल लेना है. सर्कल लेने के बाद एम्प्टी लेयर ले ली होगी आपने आई होप सो. फिर एक सर्कल बनाना है एंड सर्कल में एक कलर फिल करना है, दैट इज़ गोइंग टू द लाइट येलो. एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर लेंगे यहाँ पे हम, बिकॉज वो थोड़ा सा लेनर वॉच करने में परफेक्ट रहता है इसलिए. फिर क्या करना है, इसको हमको लेने के बाद ट्रांसफॉर्म करना है एंड इस लड़की के पीछे हम यहाँ पे लगा देंगे, फीमेल कैरेक्टर के पीछे यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे. देन इसके बाद क्या करना है, हम जो हमारे फीमेल कैरेक्टर के पीछे लग चुका है एक बार इसको हम डुप्लीकेट करेंगे. उससे पहले हम लड़की को सेंटर में कर लेते हैं एंड जो उसके पीछे सर्कल था उसको भी उसी के पास कर लेंगे. ठीक है, जो आपका टॉपिक था वीडियो का उसी के हिसाब से आपको कैरेक्टर्स लेने हैं. लाइक इसका टॉपिक बहुत ज़्यादा फनी था, आपने देखा होगा. फिर क्या करना है, आपका जो सर्कल था उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, सॉरी हिला लेना है, लाइक समझ रहे हो. फिर क्या करना है, इसको हम करेंगे एक बार डुप्लीकेट एंड इसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले इसको आपको परफेक्टली सेट करना है, बिकॉज जब आप कैरेक्टर में रखो, लाइक जो आपका लड़का है वहाँ पे वो मेल कैरेक्टर है, आप उसके ऊपर रखो तो वो परफेक्टली हो जाए, लाइक सेम टू सेम रहें दोनों. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगा एंड उसके ऊपर भी रख दूँगा. एंड इसके बाद यहाँ पे ये तो हो चुका है, अभी आता है वर्क हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट. इससे पहले क्या करेंगे, इसको मर्ज डाउन कर लेते हैं, लीनर डॉज करेंगे. अभी हमारे लीनर डॉज होने के बाद क्या दिखेगा आपको, पीछे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया होगा. इसके बाद ओपेसिटी आप कम कर सकते हो इफ़ यू नीडेड. मैं यहाँ पे 80% उसकी कर देता हूँ. देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे हम डुप्लीकेट. अब आ जाती है इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर हम जो कैरेक्टर्स रहेंगे उनके सबसे ऊपर ले जाएंगे. फिर क्या करना है, दोनों कैरेक्टर को आपको मर्ज कर लेना है, लाइक मर्ज डाउन करके एक लेयर में कर लेना है. फिर उनके कर लेना है सिलेक्ट पिक्सल्स एंड अभी करने के बाद, सिलेक्ट पिक्सल्स करने के बाद आपको जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर. देन आपको इसको लाइक प्लस में लेना है, ठीक है, सॉरी माइनस में आपको ले लेना है, जितना आपको अच्छा लगे. लाइक -14 और -15 वुड बी बेटर फॉर योर कैरेक्टर्स. -15 एक यूनिवर्सल है, आप आराम से ले सकते हो. फिर क्या करना है, ऊपर आई लेयर में चले जाना है, इसको आपको क्लियर कर देना है. इससे होगा क्या, जो कैरेक्टर्स के ऊपर लाइटनिंग डालने में ईजी रहेगा. अब चले जाना एफएक्स में, देन इसको हम बढ़ा देंगे. इससे देख रहे हो कि जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर भी लाइटनिंग आ चुकी है. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे आप किस तरीके से बनाते हो, ये मेरे को सबसे ईजी वे लगता है, लाइक लाइट्स क्रिएट करने का इन PSCC. फिर क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी डाउन करेंगे. लाइक यहाँ पे कलर्स तो आ चुके हैं परफेक्टली, इट्स डन. सो
इतना हो जाने के बाद अभी हम इसको मर्ज डाउन नहीं करना है, इसको कैरेक्टर के ऊपर ही रखना। फिर आपको चले जाना है फोटो लाइब्रेरी के अंदर। उससे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ कट करेंगे, लाइक एक लीनियर वे में कट कर लेंगे। फिर क्या करना है, आपको चले जाना है फोटो लाइब्रेरी के अंदर, दैन इसके बाद आपको चले जाना है पिक्सल लैब के अंदर, दैन उसके बाद आपका जो फॉन्ट है उसको आपको ले लेना है। एंड फॉन्ट को भी हम बहुत ही परफेक्टली बनाने वाले हैं, सो ध्यान से देखना किस तरीके से फॉन्ट भी आप यहाँ पर क्रिएट करना भी सीख जाओगे। सो फॉन्ट को आपको इम्पोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना है जिसमें जिस तरीके से भी आपको रखना है, लाइक जिस तरीके से टिल्ट वल्ट करना हो आपको, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिंपल वे में बनाने वाला हूँ, सो दोनों फॉन्ट को अलग कर लूँगा, लाइक ऊपर नीचे वाले फॉन्ट को लेयर फॉर्म से सिलेक्शन करके अलग अलग कर लिया है। सो अभी क्या करना है, हमको कलर ग्रेडिंग करनी है विद अ परफेक्शन। सो हम क्या करेंगे, गर्ल लिखा हुआ है जो गर्लफ्रेंड, उसको हम लेयर सिलेक्शन करेंगे एंड नीचे वाले लेयर से इसको क्लियर कर देंगे। एंड जो हमारी नीचे वाली थी 11 ईयर्स किड स्टोरी, उसमें से हम 11 ईयर किड स्टोरी को अलग करेंगे, उसमें भी हम यही अपना पीला वाला कलर देंगे। जैसे हो गया क्या, जो येलो कलर है वो ज़्यादातर हाईलाइट रहेगा एंड एक अट्रैक्शन का क्रिएट करेगा। सो आपको इस तरीके से कर लेना है। एंड दूसरी तरफ जाएंगे हम, जहाँ पे था 11 ईयर किड स्टोरी, उसको भी हम इस तरीके से ही कर लेंगे, लाइक इससे भी वही होगा कि जो टेक्स्ट में रहेगा उसमें भी हाईलाइटेड रहेगा एंड एक अट्रैक्टिव सी पोजीशन देगा। सो अभी क्या करेंगे, उसको भी उस तरीके से कर लेंगे, लाइक सेलेक्ट पिक्सल्स एंड यहाँ पे भी कलर फिल कर देंगे। आफ्टर दैट इतना हो जाने के बाद हम जो मर्ज डाउन कर लेंगे, लाइक गर्लफ्रेंड बेवफा उतना स्टोरी कर लेंगे, टेक्स्ट को मर्ज कर लेंगे एंड दूसरे वाले टेक्स्ट को भी पूरा एक साथ मर्ज कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारे लिए ईजी हो चुका है, यहाँ पे हम इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। देन व्हाट हैव टू डू, अभी हम इन दोनों फॉन्ट्स को अपने एक साथ एक ही लेयर में बना लेंगे, लाइक मर्ज डाउन करने के बाद। अभी क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर लेनी है, एम्प्टी लेयर को नीचे ले जाना है टेक्स्ट के, टेक्स्ट में जाना है, सिलेक्ट पिक्सल्स करना है, देन आपको नीचे आ जाना है एम्प्टी लेयर पे, फिल में जाना है, लाइक सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाना है। एंड ट्रांसफॉर्म को +20 कर सकते हो इफ़ योर टेक्स्ट इज बोल्टेड, लाइक ज़्यादा बोल्ट है, वरना 15 कर लेना। 15 करने के बाद आपको फिल करना है, वो कलर रहेगा वो ब्लैक कर देना है। आफ्टर दैट आपको इस तरीके से इफेक्ट मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा डोप इफेक्ट रहता है, मतलब आप एक बार लगा के देखना, बहुत ज़्यादा डोप रहता है। फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको इसको मर्ज डाउन नहीं करना है, टेक्स्ट को ऊपर रखना है। फिर इतना हो गया हमारा, अभी बात आ जाती है इसमें हम करना है ड्रॉप शैडोज, और उससे पहले हम स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो, आप ड्रॉप शैडो भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइक स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं, स्ट्रोक्स रहेगा वाइट कलर का एंड ये परफेक्शन के साथ हो चुका है, लाइक एवरीथिंग इज बीन सेटल्ड, लाइक कैरेक्टर्स हमने रख लिया, टेक्स्ट हमने कर लिया, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो हमने परफेक्टली बना लिया एंड जो भी था पूरा परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा जो करेक्शन आपको करना हो वो कर सकते हो, लाइक आप इसमें ग्लो देना चाहते हो तो ग्लो दे सकते हो। ग्लो कैसे देना है, इसको जो हमारा टेक्स्ट था उसको मर्ज किया था, उसको आपको डुप्लीकेट करना है, लीनियर डॉज करके एफएक्स कर देना है। देन इतना हो जाने के बाद अब कुछ चीज़ें रहेंगी, लाइक इमोजीज, वो जो अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे उनको लगाना है। मेरे पास इमोजीज पैक सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा पैक के अंदर। सो यहाँ पे कुछ इमोजीज हैं परफेक्शन वाली, सो मैं उनको ले लेता हूँ, लाइक क्राइंग वाली है। सो आपको याद रखना है, अगर आपका कैरेक्टर आपने ज़्यादा छोटे लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे ले लिए, इसलिए मैं इमोजीज को बड़ा करूँगा, ठीक है। सो जिस तरीके से आपको रखना है यहाँ पे, यार इमोजी तो आप परफेक्टली रख ही लेते हो, इमोजी भेजने में कलाकार हो आप लोग, ठीक है। सो आप इमोजीज यहाँ पे रख लो एंड उसके बाद जो जो मतलब एक प्यार मोहब्बत में जब पढ़ते हो जो जो होता है, लाइक शर्म आती है आपको, ठीक है, और देखते ही साथ प्यार हो जाता है, तो वो वाले इमोजी यहाँ पे रख लिया हमने एंड एक रोने वाला जो कि लास्ट में सबका कटता है, जैसे कि अभी हमारा पबजी मोबाइल काट रहा है इतने दिनों से, वो वाला रोने वाली शक्ल रख ली, ठीक है। ये शर्मा गया बच्चा, सो ये भी रख लेते हैं। लाइक टाइटल बहुत ज़्यादा ओपे है, गर्लफ्रेंड बेवफा 11 ईयर किड्स स्टोरी, सो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इमोजीज रखे हुए हैं। ये रोने वाला थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको मैं बड़ा करूँगा, लाइक कटेगा सब में बटेगा। सो इतना हो जाने के बाद लाइक हम लोगों ने इमोजीज को सेट कर लिया परफेक्टली एंड आपको जितने इमोजी लगाने उतने लगाना, बेसिकली मैं बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा 3 से 4 ही लगाना, ज़्यादा मत लगाना। इसके बाद इसको सेव करना है एंड कलर ग्रेडिंग करने के लिए हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, मेरा सबसे प्यारा एप्लीकेशन, ओके। सो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे आ चुके हैं लाइटरूम के अंदर। एंड इसके बाद आपको प्रीसेट्स मिलेंगे, आप प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अपने कलर्स भी बना सकते हो। सो मैं आप एक प्रीसेट दिखा देता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं, लाइक मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए थे, दीज आर नॉट माइन प्रीसेट, यहाँ पे एंड्रॉइड के सबसे बेस्ट रहता है, सो मैं वो क्रिएट कर देता हूँ। एंड इसके बाद चले जाने आपको कर्व के अंदर, देन यहाँ पे लिफ्ट शैडोज लगाना मत भूलना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक क्लियर लुक देता है एंड ये जो भी कलर्स आपके ब्राइट होते हैं उनको दबा के एकदम परफेक्शन के साथ लिफ्ट कर देता है उनकी शैडो, जिससे कि जो कलर होगा वो ज़्यादा ब्राइट भी नहीं रहेगा और ज़्यादा डार्क भी नहीं रहेगा। सो आप लिफ्ट शैडो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इट्स ऑन अ वे, अगर आप फ्लैट लगाना चाहते हो तो फ्लैट भी लगा सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप लगाना लिफ्ट शैडो, सो वो बहुत ही डोप लुक देगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से आपने बहुत ही परफेक्टली एक वीडियो थंबनेल रेडी किया एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड दिस वाज द वीडियो।
सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज के इस वीडियो में हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। आज के वीडियो में मैंने सीखा कि आप टेक्स्ट कैसे बना सकते हो, बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो एंड आप लाइटनिंग कैसे डाल सकते हो। आप अपना सबसे फेवरेट पार्ट कमेंट करना वीडियो के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड हाँ, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया 1K स्पेशल Q&A में सो आप कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को फॉलो कर लेना। अगर लिंक ओपन करने में कोई भी दिक्कत होती जस्ट DM में ऑन इंस्टाग्राम, और आप डिस्कॉर्ड में भी कर सकते हो। ओके सो टेक केयर, लव यू ऑल। मैं मिलता हूँ अगले बहुत ही डोप कॉन्टेंट के साथ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। अगर आप इस वॉइस को पहली बार सुन रहे हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके ही जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।